क्या कैश लिया दिया गया है? दिखाइए, दिखाइए आप कैश कहाँ लिया दिया गया है? आपने सिर्फ बोला है, आप बताइए किसने बोला कैश लिया है? देखिए ऐसा है, साइकिल हो गई पंचर, उनके नेता है घनचक्कर, और इसीलिए एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में अठन्नी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा, ये वही लोग हैं। देखा गुलियानी साहब, 250 करोड़ रुपए पेपर में, अगर ये आम आदमी को बढ़ जाए तो किसान हमारा भूखा नहीं मरे। पटो में पिस रही है पब्लिक, मैं तो कहती हूँ सब जनता से एक को वोट दो जो मेरे देश को बचा रहा है, मैं थोड़ा खा लूंगी, मेरा देश बचना चाहिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और न्यूज़ डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला न्यूज़ 18 इंडिया चैनल का। और दोस्तों आज की इस डिबेट के अंदर कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर रेड मारी गई, जहां से दोस्तों 250 करोड़ का काला धन यानी भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा बरामद किया गया। दोस्तों आज की ये डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है, जिसमें दोस्तों बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कृष्णमाचार्य जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी के बीच में काफ़ी तीखी बहस आपको इसी मुद्दे पर देखने को मिलेगी। और साथ ही दोस्तों जनता भी काफ़ी अच्छी खासी बैंड इस डिबेट के अंदर इसी मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता की बजाने वाली है। दोस्तों वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो के अंत तक दोस्तों देख के जाइएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो ये भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़े हुए थे जी। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में अठन्नी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा, ये वही लोग हैं। और आज मोदी जी कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अठन्नी चुराई है वो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है और इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार को लेकर पूरा गठबंधन फंस रहा है? कहीं महुआ मोइत्रा है, कहीं एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए कैश निकलाए हैं। 200 करोड़ क्या, मुझे नहीं लगता किसी ने 2 करोड़ या कैश देखे होंगे, लेकिन 200 करोड़ कैश निकलाया। आचार्य जी कैसे बचिएगा इन सब चीजों से? ये पैसा मिला, ये मिला, वो मिला, बिल्कुल ठीक है, 2-4 करोड़ रुपया तो एजेंसियां रख देती हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में एक टेम्पो में रख दिया था, लेकिन ये 200 करोड़ की रकम है तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता, ये नहीं कहूंगा कि एजेंसियों ने रख दिया होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें इस देश की न्यायपालिका पर एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। घोटालेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, उनके डीएनए में घोटाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बात हो, माँ और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे, राहुल गांधी कहे कि 100 करोड़ रुपए आने हैं, आए हो 200 करोड़, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं एजेंसी अपना काम कर रही है, वो अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कार्रवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं। जनता ने चोट मारी, वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है, जांच एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग ऑल्सो। और दूसरी बात, कर्नाटका में आप भी तो कहते थे 40% सरकार, क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं। आप सोचिए 9 अलमारियां और 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया काला धन जो आज मिला है आईटी डिपार्टमेंट को, ये जनता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाइयों का है, और उन्हीं को जाना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और एक एक रुपया वसूलेंगे। ये है मोदी जी की 200 करोड़ कैश मिलना भी जायज हो गया है, वहां पे आपको 8 करोड़ दिख रहे हैं जिसमें कार्रवाई हुई, 200 करोड़ पे क्या कह रहे हैं आप? बोलिए, आप बताइए, क्या एक सांसद उसको अपना रिप्लाई देने का उसको समय नहीं मिलना चाहिए? एक मिनट सुनिए, क्या कैश लिया दिया गया है? दिखाइए, दिखाइए आप कैश कहां लिया दिया गया है? आपने सिर्फ बोला है, आप बताइए किसने बोला कैश बोला दिया नहीं, नहीं बोला है, दिया बोला, बोला, नहीं बोला है, झूठ झूठ है। देखिए ऐसा है, साइकिल हो गई पंचर, इनके नेता है घनचक्कर, और इसीलिए अब देखिए आप बोल बीच में बोला था, आपको पता नहीं होगा साइकिल पे बैठ के, अरे भैया तोता आया उड़ा दो, मैं बता रहा हूं कहां पड़े हो, उतर के तोते को लाते हो, क्या आ गए इधर, उड़ते हुए चला जाएगा, कूद के इसका क्या जाएगा, कभी जेब में टमाटर, कभी तोता तोता तोता, ओ हाय बाय शाय फाय था, यही तो बात है किसान और कर है ये डिबेट का सर है। अनुराग जी, अनुराग जी, ऑडियंस ऑडियंस को एंटरटेनर करना हमारा, मैं एंटरटेन कर रहा हूं, हम एक तार्किक बहस याद दिलाया, बातचीत शुरू होगी, कुछ कहना चाहते हैं गुलियानी साहब? भाई साहब यही कहना चाहता हूँ, 250 करोड़ रुपए लगभग रिकवर हुआ है, आए, आए। ऐसा हमारे पास तो नहीं आता यहाँ, बड़ी चर्चा है साहब, बोले 250 करोड़ रुपए हमारे पास क्यों नहीं, अरे नहीं साहब उतनी क्या जरूरत है, चर्चा दिखा गुलियानी साहब, 250 करोड़ रुपए पेपर में, पेपर में, अगर ये आम आदमी को बढ़ जाए तो किसान हमारा भूखा नहीं मरे। हम 4 महीने से डीटीसी कर्मचारियों को ये आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ, पीछे भी 3-4 दिन पहले इन्होंने ये बोला कि 3-4 महीने लगेंगे, तो 3-4 महीने हम तुम्हारे घर में बैठे आके, हम दवाई लेने को परेशान है, मेरा हस्बैंड बीमार है, हम मैं आज बहुत दुखी होकर आज मैं यहाँ आई हूँ, 4-4 महीने हमें पेंशन नहीं दे रहे, एलजी पे दोष लगाते हैं, एलजी के सरकारी का पैसा रोकता है क्या, तुम्हारे घर का पैसा क्यों नहीं रोकता, तेरे पर्दे के लगने के पैसे क्यों नहीं रोकता, हम कहां जाए, 4 महीने हो गए और अभी भी कहता है 2-3 महीने लगेंगे, इनसे बोला हमें अपने घर ले जाए या शीश महल में रख ले,
तो धनिया पत्ती भी खरीदनी नहीं पड़ती, हमें धनिया की पत्ती भी खरीदनी पड़ती है। तुम्हें पता है धनिया पत्ता कितने का आता है? 4 महीने हो गए हमें, 4-4 महीने से हम दुखी हैं। दुखी होकर मैं यहाँ आई हूँ, मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मेरा दिल करता आऊं, दिल करता आऊं। आदमी मेरा बीमार है, मैं लेके आने लगी थी, मैं अब सौंप देती इनको, ले जाओ मेरे आदमी को, करो इसका इलाज। हमें दवाई खाने को भी पैसे नहीं है, इन लोगों ने हमें इतना दुखी करके रखा हुआ है। सरकारी पैसा कोई एलजी रोकेगा? ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऐसा काम कर रखा है। फ्री की फ्री फ्री फ्री, डीटीसी हमेशा घाटे में रही है, उसके बावजूद फ्री। क्या 5 रुपए का टिकट आदमी ले नहीं सकता, औरतें ले नहीं सकती जो 10-10 हजार के फोन लेके चलती है? 5 रुपए से ज्यादा टिकट नहीं है, फ्री फ्री फ्री। कहां देश का बेड़ा गर्क करेंगे ये? जाओ सब लोग अपने अपने घर, डिबेट खत्म, डिबेट खत्म। बाबू जी जाइए, मिलती है मेरे लिए बहुत है, मैं खा लूंगी। मोदी जी मुझे दे रहे हैं हमारी आखिरी सांस तक, लेकिन इन लोगों ने रोक रोक के हमारा रोटी भी खाना हराम कर दिया। 4-5 दिन पहले या परसों नरसों की बात है, एक सोमवार की बात है, शख्स आए थे यहाँ पे खड़े थे, दिव्यांग थे, कहने लगे एक चेक लाए थे वो, और चेक खाली चेक था, ब्लैंक चेक था। कहने लगे साहब दिव्यांग थे, आंख से देख नहीं सकते, पत्नी भी नहीं देख सकती, डीटीसी में काम करते थे, 4 महीना हो गया पेंशन नहीं आई। बोले साहब मैं इसलिए शो में आया हूं कि आप अक्सर पैसे इकट्ठा कर देते हैं लोगों के लिए, मेरे लिए भी 10-10 रुपए इकट्ठा कर दीजिए। ये स्वाभिमान से खड़ी हुई, ये स्वाभिमान से खड़ी हुई लेडी, ये महिला, इसने ये नहीं कहा, इसने कहा जितनी मुझे पेंशन मिलती है मेरा घर चल जाता है। ये स्वाभिमान होता है और ये सीखना चाहिए। और आप तुलना करिए, 4 महीने से पति बीमार है, पेंशन नहीं आई है, और अब वो जो अलमारियों में सजे नोट है, कल्पना कर लो यार जरा सी एक बार, बस कल्पना कर लो एक बार, वो 250 करोड़ से ज्यादा अलमारी में सजे हुए नोट हैं के पाटों में पिस रही है पब्लिक। मैं तो कहती हूँ सब जनता से, एक को वोट दो जो मेरे देश को बचा रहा है। मैं थोड़ा खा लूंगी, मेरा देश बचना चाहिए, ये इन लोगों के हाथों में। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिखेगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों आज की डिबेट भ्रष्टाचार के मुद्दे पर थी, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से 250 करोड़ का काला धन बरामद किया गया। दोस्तों इसी मुद्दे पर आज की डिबेट थी, जिसमें दोस्तों सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे, और साथ ही दोस्तों जनता ने भी उधेड़ के रख दिया इसी पर कांग्रेस को इस डिबेट के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं 250 करोड़ जो बरामद किया गया धीरज साहू के पास से, तो मैं आपको बता दूं कि ये शख्स भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के जो महासचिव सुप्रीमो राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हो, राहुल गांधी बात करते हैं मोहब्बत की दुकान की, भ्रष्टाचार की वगैरह वगैरह बात करते हैं, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचारियों को साथ में लेकर घूमते हैं, और इन्हीं के सांसद है भाई साहब। कहां से मतलब 250 करोड़ किसको बोलते हैं भाई? 250 करोड़ रुपए लोगों, गरीबों को अगर बांट दिया जाए ना तो उनकी पूरी मुश्किलें खत्म हो सकती है 250 करोड़ के अंदर। लेकिन ये बंदे ने अपने घर पर अपने अलग अलग ठिकानों पर 250 करोड़ कैश जमा करके रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए इन जैसे नेताओं को। और मैं आपको रियलिटी के साथ बता सकता हूं कि जनता का जो खून चूसा है ना तुम लोगों ने, जनता का जो पैसा लूटा है तुम लोगों को, वो आपको इसी तरह से निकलेगा और आप सत्ता से बेदखल रहोगे, क्योंकि आपने गरीबों का पैसा लूटा है और गरीब भारत का पैसा लूटा है, इसलिए आपको गरीबों की हाई लगी हुई है। कांग्रेस कहां चुप बैठी है भाई? कांग्रेस को बोलना चाहिए इस मुद्दे पर। आइए अपने सांसद को बाहर निकालिए पार्टी से, अब ये वो बोलेगी नहीं, आप भ्रष्टाचार पर बोलेगी नहीं। दूसरी तरफ वो आम आदमी पार्टी कहां छुपी हुई बैठी है पता नहीं, बहुत बोला करते थे भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजा देंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं वगैरह वगैरह बात करते हैं, भ्रष्टाचार यानी देश से गद्दारी। अब कहाँ है वो आम आदमी पार्टी? चुपचाप बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे राजनीति कैसे कर दे, अपने ऊपर पड़ती है ना सब चीज़ें। यही अगर मोदी सरकार गवर्नमेंट में किसी ने किया होता तो अब तक तो सब के सब कूद जाते, लेकिन अपने गिरेबान में कोई नहीं झांक के देखता। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि 250 करोड़ कम नहीं होते भाई। लोग अपनी जान देते पैसे की वजह से, किसी के घर पे इलाज नहीं होते पैसे के वजह से, कोई अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता पैसों के वजह से, और आप लोग 250 करोड़ की संपत्ति मतलब 250 करोड़ नौ नौ अलमारियों में छुपा के बैठे हो, लोगों का पैसा लूट के बैठे हो। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इसीलिए आज देश ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया सत्ता से इन लोगों को। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोस के, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।